ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन पे। ओके तो मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका था कि हमारे पास नेचर में जनरली दो टाइप के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट था मेरे पास केमिकल चेंज और सेकेंड था मेरे पास फिजिकल चेंज। जो मैंने केमिकल चेंज जितने बताए थे, जितने पॉइंट वहाँ पे बताए थे, उसी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि तो केमिकल चेंज हमारे पास ये क्या है, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज जहाँ कहीं भी होगा उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन विच वन और मोर सब्सटांसेस, हमारे पास जो सब्सटांस है जो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करेगा वो या तो वन हो सकता है या फिर मोर देन वन हो सकता है। वन और मोर सब्सटांसेस अंडरगो केमिकल चेंजेस, वो कुछ केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करेंगे और न्यू सब्सटेंस बनाएंगे, टू गिव अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई सब्सटेंस लेंगे उसमें कुछ केमिकल चेंज होंगे। जैसे उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकता है, ऐसे कुछ केमिकल चेंज होंगे और जो न्यू सब्सटेंस बन के आएगा मेरे पास, टू गिव ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो न्यू सब्सटेंस बन के आएगा उसका प्रॉपर्टीज जो है इनिशियल ओरिजिनल सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज से कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम क्या किए, बर्निंग ऑफ कोल, एक कोल लिए उसको एयर में बर्न किए, इन एयर, एयर में बर्न किए। एयर से वो क्या लेता है, एयर में मिक्स, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है पार्टिकुलर ऑक्सीजन से वो कंबाइन करता है, ऑक्सीजन से वो कंबाइन करता है और हमको देता है, बर्न किए यहाँ पे हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या क्या है, यहाँ पे हम इनिशियली क्या लिए थे, एक कोल लिए थे जिसमें हमारे पास क्या थे, कार्बन के एटम 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 थे, कार्बन 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 के एटम थे। ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करता है, ऑक्सीजन में क्या था हमारे पास, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, ओ टू के, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ओ टू के फॉर्म में रहता है, ओ टू ओ टू ओ टू ओ टू। इसमें क्या होता है, बर्न करने के बाद हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका फॉर्मूला हो जाता है CO2। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होता है मेरे पास, CO2, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड कंबाइन करके रहते हैं, कार्बन कार्बन के एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, ये इंडिविजुअल नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में है। तो यहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें हम इनिशियली लिए थे एक सब्सटेंस कोल जिसमें हमारे पास कार्बन के एटम थे, ऑक्सीजन लिए थे उसमें हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, और यहाँ पे क्या बन रहा है, केमिकल चेंज होने के बाद कंप्लीटली एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, न्यू सब्सटेंस। ये ना तो कार्बन है यहाँ पे ना ही ऑक्सीजन है, बल्कि कार्बन और ऑक्सीजन का कंबाइंड फॉर्म है, कंबाइंड क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस है, इसका अपना एक न्यू आइडेंटिटी होगा, न्यू आइडेंटिटी होगा। अब ये जो सब्सटेंस थे इनिशियली ओरिजिनल सब्सटेंस, ये अपना आइडेंटिटी लूज कर गए, यहाँ पे न्यू आइडेंटिटी हमारे पास निकल के आ रहा है। फिर इसका न्यू आइडेंटिटी होगा तो न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा मेरे पास, इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा CO2, और इसका फार्मूला था मेरे पास O2, कोल का फार्मूला था कार्बन C। तो यहाँ पे दूसरा हमारे पास कुछ और ही केमिकल फार्मूला थे, और यहाँ पे केमिकल फार्मूला डिफरेंट निकल के आया मेरे पास, ये केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गया। इसके अलावा हमारे पास केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है, केमिकल फॉर्मूला चेंज कर गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गए, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गए। केमिकल कॉम्पोजिशन बोले तो जो
ये जो कोल है इसमें जो भी पार्टिकल है, वो जो भी अंदर अंदर में जो भी सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो CO2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट हो गए, या फिर पार्टिकल का जो रेशियो है, जो यहाँ अमाउंट है, क्वांटिटी, वो एक अपना ही क्वांटिटी में, अपना ही मतलब रेशियो में, कार्बन के एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, ऐसे अपना ही रेशियो, अलग ही रेशियो में, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के रेशियो में यहाँ पे कंबाइन किए और CO2 बनाए, तो यहाँ पे केमिकल फार्मूला चेंज हो गया, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। और क्या होता है यहाँ पे, समटाइम फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑल्सो चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकता है यहाँ पे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या था मेरे पास, फिजिकल प्रॉपर्टी में था मेरे पास सब्सटेंस का शेप था, साइज था, और मेरे पास था स्टेट। तो यहाँ मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे जब इनिशियली जो ओरिजिनल सब्सटेंस लेंगे, ओरिजिनल सब्सटेंस लिए हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस, और ये हमारे पास न्यू सब्सटेंस बन के आया, न्यू सब्सटेंस, तो इसका केमिकल चेंज में जाने के बाद, केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करने के बाद, इसका स्टेट में चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम कार्बन लिए थे, कोल लिए थे, सॉलिड फॉर्म में लिए थे, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में था, हमारे पास क्या निकल गया, CO2 गैस, मतलब यहाँ पे अगेन यहाँ पे गैसियस फॉर्म में मिला, गैसियस स्टेट में हमको मिला। तो यहाँ पे हम लोग ये सॉलिड और गैस लिए थे, गैसियस स्टेट लिए थे, हमारे पास गैसियस फॉर्म बन के आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या फिजिकल स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट का शेप में चेंज आ सकता है, साइज में चेंज आ सकता है, तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सब्सटेंस, ये जो केमिकल चेंज है हमारे पास, वो जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे हम लोग कोल और कोल को एयर में बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ऑब्टेन कर लिए, लेकिन अगेन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ये कोल का सॉलिड फॉर्म और ऑक्सीजन गैस का गैसियस फॉर्म हम लोग दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इस रिएक्शन में पीछे नहीं आ सकते हैं। मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम लोग अगेन कार्बन और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि केमिकल चेंज जो है जनरली या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ ऐसे इरिवर्सिबल नेचर भी शो करते हैं कहीं कहीं पे। ओके, तो ये हमारे पास है बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। तो यही जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम लिया और उसको एयर में बर्न किए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, एक मैग्नीशियम का एक पीस लिए, मेटल लिए, ये मैग्नीशियम का मेटल है मैग्नीशियम, इसका फॉर्मूला होता है Mg, और हम इसको रिएक्शन कराएं एयर में, एयर से वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, O2 से कंबाइन करेगा, ये ऑक्सीजन के गैस है, मांग चलिए मॉलिक्यूल दूर दूर में है, O2 के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे Mg के एटम है, Mg के एटम प्रेजेंट है, Mg के एटम प्रेजेंट है, Mg के एटम प्रेजेंट हैं। तो इसको हम क्या किए, बर्न किए एयर में, बर्न किए, तो यहाँ से जब बर्न करता है तो वाइट वाइट शाइनी फ्यूम निकलता है, तो वाइट धुआं एकदम चमकदार रोशनी निकलता है, फ्यूम्स। और हमको जो न्यू सब्सटेंस बन के आता है वो मेरे पास आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन के आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मेरे पास पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, पाउडर्ड फॉर्म में, ऐसे पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, छोटे छोटे पीस में। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम MgO के एटम प्रेजेंट होंगे पाउडर्ड फॉर्म में, फिर ये वाइट पाउडर्ड बनता है, वाइट पाउडर्ड फॉर्म में हमको सब्सटेंस बन के आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इनिशियली क्या लिए, ओरिजिनल सब्सटेंस के रूप में हम क्या लिए थे, मैग्नीशियम लिए थे और ऑक्सीजन लिए थे, ये मेरे पास था सॉलिड फॉर्म में था और ये मेरे पास गैसियस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था। केमिकल चेंज होने के बाद क्या हुआ, हमारे पास कम्प्लीटली एक न्यू सब्सटेंस बन के आया। जैसे यहाँ केमिकल चेंज क्या है, जहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन के आएगा, न्यू सब्सटेंस बन के आया मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, ना तो ये मैग्नीशियम है और ना ही ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस के एटम या पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑल्सो चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे स्टेट तो चेंज नहीं हुआ है, हालांकि इसके गैसियस फॉर्म जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे गैसियस फॉर्म में, उससे कंपेरिजन में ये सॉलिड फॉर्म में आया, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, और इसके केस में सॉलिड और सॉलिड दोनों सॉलिड ही हैं, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज इसके कंपेरिजन में तो हुआ है। इसके अलावा सब्सटेंस का यहाँ पाउडर्ड फॉर्म में मिला हमको, जैसे पाउडर्ड फॉर्म में मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर्ड में, तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म ही है पाउडर्ड, क्या है सॉलिड फॉर्म ही रहता है, बस सॉलिड का स्मॉल साइज रहता है, तो यहाँ पे साइज चेंज हो गया है,
मतलब यहाँ पे हम एक बड़ा सा मेटल का पीस लिए थे, बर्न करने के बाद हमको एकदम पाउडर्ड फॉर्म में छोटे छोटे पीस मिले, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी साइज इसका चेंज किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहे हैं, इसका अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका केमिकल फार्मूला MgO हो जाएगा, इसका O2 हो जाएगा, इसका Mg हो जाएगा, इसका फार्मूला चेंज कर गया। इसके अलावा इसका कॉम्पोजिशन चेंज कर सकता है, जैसे इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे, जो सब्सटेंस होंगे, जो मटेरियल होंगे, वो MgO मतलब Mg और ऑक्सीजन के एटम का कॉम्बिनेशन फॉर्म रहेगा। यहाँ पे Mg के थे एटम्स, यहाँ पे O2 के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे MgO के मॉलिक्यूल कॉम्बाइंड फॉर्म में रहेंगे। तो ऐसे हमारे पास क्या है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा और एक पॉइंट लिखते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या लिए हैं, मैग्नीशियम के एटम्स लिए हैं, एक मैग्नीशियम का मेटल लिए हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए हैं, और हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ही प्रोडक्ट बन रहा है, सब्सटेंस नहीं, सब्सटेंस जो है बन के आ रहा है। मतलब क्या हुआ, हम जो इनिशियली सब्सटेंस लेंगे, इनिशियली जो सब्सटेंस लेंगे ओरिजिनल सब्सटेंस के रूप में, उसी के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के कैरी अरेंजमेंट या फिर कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन से ही हमारे पास जो है न्यू सब्सटेंस बन के आया। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बर्निंग या फिर कॉम्बिनेशन या फिर अरेंजमेंट से अगर हम इनिशियली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिए हैं, हमारे पास जो न्यू सब्सटेंस बन के आएगा वो H2O वाटर बन के नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन मेरे पास है ही नहीं। जो सब्सटेंस हम लेंगे उसी एक सब्सटेंस का एटम्स पार्टिकल्स का ही, उस सब्सटेंस में जो एटम्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसी मॉलिक्यूलर एटम वाले ही न्यू सब्सटेंस बन के आएंगे। तो हम इसको और यहाँ पे लिख देते हैं, द न्यू सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंस सब्सटेंस विल फॉर्म बाय द अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मोलिक्यूल्स ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस सब्सटेंस। मतलब जो इनिशियली जो ओरिजिनल सब्सटेंस लेंगे उसी के एटम या मॉलिक्यूल के ही रीअरेंजमेंट से न्यू सब्सटेंस बनेगा, और उसी एटम या मॉलिक्यूल का ही कॉम्बिनेशन या फिर उसी का जो सब्सटेंस लेंगे उसमें जो भी एटम से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसी एटम्स और मॉलिक्यूल का ही सब्सटेंस बनेगा, कोई नया एलिमेंट बाहर से आकर कॉम्बाइन नहीं करेगा यहाँ पे। यहाँ पे और एक पॉइंट लिख देते हैं, द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड, जो बना है रिएक्शन में, विल हैव द सेम एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो ओरिजिनल सब्सटेंस में हम लोग जो भी सब्सटेंस लेंगे उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उसी एटम्स और मॉलिक्यूल का ही न्यू सब्सटेंस बनेगा। सब्सटेंस ओरिजिनल सब्सटेंस में जो एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इसी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ही इसी एटम्स और यही मॉलिक्यूल्स ही यहाँ प्रेजेंट होंगे, कोई न्यू नया एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन यहाँ से बाहर से आके हाइड्रोजन H2O नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो लेंगे सब्सटेंस उसी सब्सटेंस के एटम्स या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट से ही न्यू सब्सटेंस बनेगा मेरे पास। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, अभी इसी को हम बोल दें और इसी को हम बोल देंगे टू आइडेंटिफाई डिफाई आ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम यही बात करेंगे, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कभी कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो हम वहाँ पे क्या कुछ केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे सब्सटेंस में चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब कुछ केमिकल जब रिएक्शन होगा उसके साथ में कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं उसके साथ इन्वॉल्व होंगे, मतलब कुछ चेंजेस यहाँ पे होंगे, जैसे उसका स्टेट चेंज हो गया या फिर कलर चेंज हो गया सब्सटेंस का या फिर टेम्परेचर चेंज कर जाएगा, ऐसे कुछ कुछ वहाँ पे हम लोग चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर हम इसके बेसिस बोलें
तो हम बोलेंगे कि उन चेंजेस को देख के हम लोग जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई या केमिकल रिएक्शन, वैसे चेंज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कुछ एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास फर्स्ट चेंज है, वो है मेरे पास चेंज इन स्टेट। तो मैंने अब पिछला लेक्चर में मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे पास था कैंडल, ये कैंडल है मेरे पास, ये बर्न कर रहा है, बर्न कर रहा है। कैंडल जो सब्सटेंस से बनता है, मटेरियल से, उसको हम लोग वैक्स बोलते हैं। तो जब कैंडल बर्न करता है तो क्या होता है, मेरे पास ये बर्न किया, अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक न्यू सब्सटेंस बन के आया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर बन के आता है, वाटर वेपर, फिर लाइट एनर्जी बाहर निकलता है, फिर हीट देता है हमको, हीट देता है, हीट एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, वैक्स में क्या थे, कार्बन के एटम थे, हाइड्रोजन के एटम थे, ऑक्सीजन के एटम थे। तो इन्हीं के रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बना, वाटर वेपर H2O बना। तो मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी के एटम से मॉलिक्यूल्स से ही उसी एटम से मॉलिक्यूल्स और थ्री एटम्स का ही सब्सटेंस मेरे पास बन गया है, कोई बाहर से नया एटम्स यहाँ पे आया नहीं है। तो ये क्या है, मेरे पास केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन के आ रहे हैं, ये न्यू सब्सटेंस जो कि इनिशियली मेरे पास थे नहीं, और ये न्यू सब्सटेंस बन के आ रहे हैं, तो उसका न्यू प्रॉपर्टीज होगा, उसका न्यू केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो मेरे पास केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, और तो ये प्रोसेस का हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। उसी टाइम इसी केमिकल रिएक्शन के साथ साथ हम एक दूसरा चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, वो है मेरे पास मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेरे पास वैक्स था यहाँ पे, वैक्स था मेरे पास, क्या सॉलिड फॉर्म में था, ये कैंडल एक सॉलिड फॉर्म में है। मेल्ट करने के बाद क्या होता है, वो मेरे पास वैक्स जो है लिक्विड फॉर्म में पिघल जाता है नीचे, कैंडल के नीचे बॉटम नीचे तरफ आ जाता है लिक्विड फॉर्म। तो मेरे पास मेल्ट करके वैक्स जो है लिक्विड फॉर्म का वैक्स बना रहा था मेरे पास। तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका स्टेट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। और चेंज इन स्टेट क्या है, मेरे पास एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, और इसको मैंने एग्जाम्पल, इसको मैंने नाम दिया था फिजिकल रिएक्शन का, फिजिकल रिएक्शन का, रिएक्शन का। तो मेरे पास यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है फिजिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कम्प्लीटली केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हम क्या ऑब्जर्व किए थे कि केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ मेरे पास एक फिजिकल चेंज भी हो रहा था, फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ रहा था, सॉलिड वैक्स जो था मेरे पास लिक्विड वैक्स बना रहा था। हम लोग बोलेंगे कि जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो वहाँ पे कुछ चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं, और चेंज क्या है वो, कि वो वहाँ पे सब्सटेंस का स्टेट में चेंज कर रहा है। मेरे पास स्टेट था सॉलिड फॉर्म में, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं न्यू सब्सटेंस में लिक्विड फॉर्म का वैक्स, लिक्विड स्टेट में वैक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो हमारे पास स्टेट में भी चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे हम आइस लिए, आइस मेल्ट किया, हमको वाटर मिला, अगेन वाटर इवापोरेट हुआ, इवापोरेट हुआ तो हमको मिला वाटर वेपर, वाटर वेपर। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से अगेन हमको मिला, लिक्विड से हमको मिला गैस में, गैसियस फॉर्म मिला। और ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है, स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम इससे अगेन वाटर वेपर से अगेन हम लोग वाटर प्राप्त कर सकते हैं, वाटर से अगेन हम लोग आइस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक रिवर्सिबल सिबल चेंज है और ये फिजिकल चेंज है, स्टेट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ और चेंज होता है, अगर ये आइस का वाटर में मेल्ट करना, वाटर का वाटर वेपर में इवेपोरेट करना के अलावा अगर केमिकली चेंज होता है कुछ यहाँ पे, तो हम इसको केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिजिकल चेंज बस हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन अगर होता और स्टेट में भी चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलते कि केमिकल रिएक्शन के साथ यहाँ पे स्टेट में चेंज कर रहा है। तो वही हमारा जब भी केमिकल रिएक्शन होंगे तो हम वहाँ पे सब्सटेंस जो इनिशियली लेंगे उस सब्सटेंस के स्टेट में चेंज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड चेंज वो है मेरे पास चेंज इन
चेंज इन कलर। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि एक केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, सब्सटेंस का, जो सब्सटेंस लेंगे, सब्सटेंस का कलर, सब्सटेंस का कलर विल चेंज, कलर भी चेंज कर सकता है, कलर विल ऑल्सो, कलर में ऑल्सो चेंज, उसका कलर भी चेंज कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे हम लिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट जो था उसको वाटर में डिजोल्व करके एक उसका सॉल्यूशन बनाया, उसको हम बोलेंगे कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। मेरे पास ये एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है मेरे पास, इसमें हम इसका रिएक्शन कराएं हम आयरन मेटल के साथ में, आयरन मेटल, फिर आयरन मेटल को इसमें डाल दिए, तो क्या होगा, मेरे पास केमिकल चेंज होने के बाद हमको मिलेगा आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, उसके बाद हमको मिलेगा कॉपर का मेटल, कॉपर मेटल मिलेगा हमको अगेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस बन के आ रहे हैं, तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज उसका चेंज कर जाएगा, इसका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज उसके, उन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज से कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे, इन दोनों का प्रॉपर्टीज आपस में कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो मेरे पास आयरन सल्फेट था, इसका सोल्यूशन बन के आता है एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन है मेरे पास सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या था, मेरा जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो मेरे पास ब्लू कलर का था, ब्लू कलर का था, और ये मेरे पास जो सोल्यूशन बन के आया वो मेरे पास लाइट ग्रीन या फिर पेल ग्रीन बोल देंगे, लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन के आया। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो हो रहे हैं, साथ में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इस कलर में चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे हम लोग सब्सटेंस, अभी जो इनिशियली जो सब्सटेंस ली है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, तो वहाँ पे उसका डिफरेंट कलर आ सकते हैं, वहाँ पे उसका कलर जो है डिफरेंट आ जाएगा। तो हमारे पास था चेंज इन कलर। थर्ड थर्ड पॉइंट है मेरे पास, थर्ड चेंज है वो है मेरे पास इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये क्या बोलता है कि जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ गैस में ऑल्सो टेक प्लेस, टेक प्लेस मतलब गैस का फॉर्मेशन भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन होने के समय। जैसे हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे कार्बन, अच्छा कोल को बर्न किए, कोल लिए उसको बर्न किए एयर, एयर में तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन किया, ऑक्सीजन से कंबाइन किया और हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको बर्न किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, तो कोल, और कोल को बर्न करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एनर्जी भी मिलता है बाहर, एनर्जी जो कि हीट एनर्जी रहता है मेरे पास, हीट एनर्जी मिलता है। इसके अलावा मेरे पास गैस है, इसके अलावा और एक एग्जांपल लेंगे डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ में, डाइल्यूट एसिड यहाँ पे लेंगे हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका रिएक्शन कराएं जिंक मेटल के साथ में, जिंक मेटल के साथ में, तो क्या देगा हमको ये जिंक क्लोराइड का सोल्ट देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हम इनिशियली इस केस में, फर्स्ट वाले केस में कोल लिए थे और ऑक्सीजन लिए थे, हमको एक न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, तो ये एक न्यू सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड केस में क्या था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, डाइल्यूट करने का मतलब है कि जो एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें कुछ अमाउंट में, मतलब उसमें कुछ अमाउंट में वाटर है, वाटर का हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट फॉर्म में है। अगर तो हम क्या किए, यहाँ पे एसिड लिए, मेटल लिए और हमको क्या मिला, जिंक क्लोराइड का सोल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, एरोसाइन मतलब बाहर निकलना, यह भी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम साथ में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ये गैसियस फॉर्म में बन के आ रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज कर गया और गैसियस फॉर्म में निकल के वो इवॉल्व बाहर निकल गया, मतलब गैस बाहर निकलेगा ऐसे बोलेंगे।
अच्छा यहाँ पे हीट भी बनता है मेरे पास, हीट भी बाहर निकलता है। फोर्थ चेंज है जो हम केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये एसिड लिए, रिएक्शन कराए हैं मेटल के साथ में, डाइल्यूट एसिड लिए, रिएक्शन कराए हैं मेटल के साथ में, तो हमको क्या मिला, सोल्ट मिला, मेटल का सोल्ट मिला, मेटल का सोल्ट मिला, प्लस हमको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास हीट बाहर निकला, हाइड्रोजन गैस बना, फिर हीट एनर्जी बाहर निकला, हीट एनर्जी बाहर निकला। अच्छा एक बात, अगर किसी भी रिएक्शन में अगर हीट बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन में मान चलिए एक रिएक्शन लिए, ए लिए एक सब्सटेंस, इसको हम लोग कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि उस रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए हमको बाहर से हीट देना पड़ता है, हीट एनर्जी बाहर से देना पड़ता है, तभी वो रिएक्शन आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस लिए ए, इसको हम लोग हीट एनर्जी दिए, तभी यह रिएक्शन किया, आगे बढ़ा रिएक्शन, और ये हमारे पास बी सब्सटेंस बन के आया। तो जिस किसी भी रिएक्शन में अगर हमको हीट देना पड़ रहा है, हीट एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है इस रिएक्शन को होने के लिए, तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडो थर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे ये तो हीट बाहर निकल रहा है या फिर हीट देना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो सब्सटेंस लेंगे इनिशियली, जो सब्सटेंस लेंगे इनिशियली ओरिजिनल सब्सटेंस लेंगे, उसका टेम्परेचर, MPERATURE, टेम्परेचर या तो इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है। तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर जो है उसका चेंज कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। तो हम बोलेंगे कि इफ़ एनी केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है कहीं भी, तो वहाँ पे हम लोग साथ में क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, सब्सटेंस का टेम्परेचर में चेंज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिफ्थ चेंज वो है मेरे पास फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके तो प्रेसिपिटेट को समझते हैं पहले। प्रेसिपिटेट जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इनसोल्यूबल हो एक्वस सॉल्यूशन में, इनसोल्यूबल सब्सटेंस है मेरे पास सब्सटेंस। जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें जो सब्सटेंस लिए हैं ओरिजिनल सब्सटेंस वो एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। जैसे यहाँ पे हम लिए एग्जांपल लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, अगेन एक्वस सॉल्यूशन मतलब लेड नाइट्रेट को वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाया है। उसका रिएक्शन कराए हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से, ये क्या है मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है मेरे पास सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दिए तो केमिकल चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ और न्यू सब्सटेंस बन के आए मेरे पास, वो मेरे पास है लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है वो अगेन एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहता है, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहता है मेरे पास, एक्वस सॉल्यूशन बनता है इसका सॉल्यूशन फॉर्म बनता है। इसके अलावा मेरे पास जो लेड आयोडाइड है वो क्या है सॉलिड फॉर्म में है, और ये क्या है, ये जो है इस सॉल्यूशन में ही बना है, बनने का तो दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिए, तो अब मिक्स होकर क्या हुआ, लेड आयोडाइड जो है वो उसका सॉलिड फॉर्म जो है वो नीचे इस लेयर पे इसके नीचे सेटल डाउन हो गए, इसके नीचे आगे बैठ गए, और ये सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में घुल नहीं रहे हैं, इनसोल्यूबल हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन का आया। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे पीपीटी, पीपीटी, और ये होता है मेरे पास येलो कलर का, येलो कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन सोल्यूशन, सॉल्यूशन में घुल नहीं रहा है, ये दोनों साथ भी दोनों एक ही सैंपल में है, इसी में है दोनों, यही
कंटेनर में दोनों साथ में है, लेकिन ये पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो सोल्यूशन के फॉर्म में है और ये लेड आयोडाइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे इस बॉटम पे इसके सरफेस पे आके यहाँ पे क्या हुआ, बैठ गया, नीचे आके जम गया। तो यहाँ पे ये इस सॉल्यूशन में अनडिजोल्व है, डिजोल्व नहीं कर रहा है, घुल नहीं रहा है। तो ऐसे हमारे पास कुछ चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ चेंजेस हम लोग वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज कर सकता है, फिर उसका कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज कर सकता है, गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर प्रिसिपिटेट या फिर इनसोल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, तो इन चेंजेस जो भी चेंज हुआ यहाँ पे, जो भी हम लोग पॉइंट लिए, जो पॉइंट पे डिस्कस किए, उन चेंजेस को देख के हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। बस क्राइटेरिया ये रहना चाहिए क्राइटेरिया कि वहाँ पे केमिकली चेंज होना चाहिए सब्सटेंस पे, और वो केमिकल चेंज कहलाएगा और वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि उस रिएक्शन पे इन चेंजेस को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। वैसे बहुत सारे चेंज हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ पार्टिकुलर चेंजेस जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उस पर डिस्कस किए हैं और होता है। ओके, थैंक यू।